हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक खूबसूरत और हसीन सुबह में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, देख रहे हैं सुबह हो चुकी है, सुबह बहुत हसीन है और आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज पता है कितना 31st है और टारगेट रखा था हमने कि भाई नए साल तक हमारा जो सब्सक्राइबर है वो 1K हो जाएगा। और 18 सितंबर 2021 को हमने चैनल ने स्टार्ट किया था, एक साल में हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो पाए, तो थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन 1K सब्सक्राइबर कल रात में पूरे हुए मेरे, जस्ट दो दिन पहले। और बहुत खुशी हो रही साथियों, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू कि आपने मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे करा दिए हैं। वॉचिंग आवर्स तो मेरे ही पूरा हुआ, लेकिन बहुत खुशी मिल रही है कि कम से कम ये तो पूरा हुआ एटलीस्ट। तो मैं आपके सामने आपके साथ हर एक चीज़ का वीडियो शेयर करता हूँ और ब्लॉग बनाता हूँ मैं, तो उसमें आपको कुकिंग दिखाता हूँ, कभी घूमने आता हूँ तो घूमने का ब्लॉग दिखाता हूँ, और अपनी पूरी फैमिली में जो होता है वो दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे जो खेती बाड़ी आप पीछे देख रहे हैं ये सब करता हूँ, ये सब दिखाता हूँ, हर चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा सब्जियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, तो इन सब्जियों को उगाता हूँ, तो इनको कैसे उगाते हैं, इनको क्या क्या करते हैं, तो मतलब हर एक टाइप का ब्लॉग आपके साथ शेयर करता हूँ साथियों। तो आपने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज के वीडियो में इसीलिए बुला रहा हूँ सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए कि आपने बहुत साथ दिया, इसलिए थैंक यू। बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक खूबसूरत सुहानी सुबह में आप सभी का स्वागत है। आज तो सूरज निकल आया है और उसने हल्की हल्की धूप भी हम सब पर बरसानी शुरू कर दी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आज मैं सबसे पहले आपको लेकर आया हूँ अपनी सब्जियों के पास। यहाँ पर ये देखिए फूल खिलने वाला है, ये किस चीज़ का फूल आप गेस करिए, गेस कर लिया। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आप तो समझ ही गए होंगे कि ये किस चीज़ का फूल है। अच्छा, अभी भी नहीं समझ पाए, चलिए और नीचे लेकर आते हैं आपको। टन टन टन, ये आप तो बिल्कुल जान गए होंगे कि आखिर ये किस चीज़ का फूल खिला हुआ है, ये सब क्या लगा हुआ है। तो ये मूली है, सही किस किया आपने, और इसके आसपास हमारी धनिया है। तो आज ये धनिया और ये मूली मिल करके इनके बनाए गए हैं पराठे। तो किचन में बन रहे हैं आलू मूली के पराठे। आलू के तो बहुत ज़रा से हैं, क्योंकि 2-3 आलू बची हुई थी, लेकिन बाकी सब मूली ही मूली हैं। और इधर हमारा लहसुन है, आप देख लीजिए, बहुत दिन से आपको गार्डन में नहीं लाया हूँ मैं, इधर गार्डन मतलब सब्जियों के पास। गार्डन का सीन तो रोज़ दिखाता हूँ, पर सब्जियों के पास नहीं लाया हूँ, काफ़ी दिन हो गया। गाजर देखिए अपनी कितनी बड़ी हो गई है, ये देखिए अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है। ये देखिए जो आप किनारे देख रहे हैं ना, ये वाला ये हिस्सा, ये इसका मतलब है गाजर काफ़ी बड़ी बन चुकी है, अब ये यूज़ करने लायक हो चुकी है। और ये देखिए यहाँ पर बीन्स कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी निकली हुई है, ये देखिए आप छोटे छोटे पौधों में बीन्स निकल आई है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए बीन्स, ये देखिए यहाँ पर भी मतलब काम भर के निकल आई है। तो इधर बीन्स है, और ये थोड़ा लेट हो गया था मामला। तो ये है चुकंदर जो आप देख रहे हैं ना, ये छोटी छोटी, ये चुकंदर है, बहुत दिया था काफ़ी पहले, पर इसको काफ़ी लेट हो गया निकलने में। और उसके बाद उधर मटर है, आप मटर देखेंगे बहुत अच्छा निकला है, पूरा ओस से लथपथ, देख रहे हैं आप, ओस सबसे ज़्यादा हमें लग रहा है इन्हीं के ऊपर बरसती है। और इसमें देखिए हल्की हल्की सी छियाँ भी निकल आई हैं, पहले फूल निकले थे, इससे पहले मैंने आपको दिखाया था काफ़ी दिन पहले, एक हफ्ते पहले, कि इसमें फूल निकले थे। उस फूल के पास से ही देखिए जहाँ पर ये फूल खिला हुआ है, आप देखिए ध्यान से कहाँ गया, ये वाला फूल देखिए, ये वाला, इसी फूल के अंदर से निकलती है छियाँ। इसमें देखिए बगल में एक एग्जांपल है, ये देखिए, तो ये फूल वाला ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, और इसमें निकल आएगी ये छियाँ। अभी इसके अंदर मटर के दाने बिल्कुल भी नहीं बने हैं, अभी एक हफ्ता लग जाएगा इसके अंदर मटर के दाने बनने में, इनको चाहिए प्रॉपर धूप। और आपने ये देख लिया, और हमारे टमाटर बहुत से चल रहे हैं, ये भी ओस से लथपथ हैं, ओस इनके ऊपर भी पूरी तरीके से बरस चुकी है, और ये भी फूल देने के लिए तैयार हैं। देखिए तो ये टमाटर हैं लगे हुए, और ये इधर चना लगा हुआ है जो कि मैंने आपको दिखाया था अभी कल परसों में। ये भिंडी है, थोड़ा छांव में लग गई इस बार, गलती हुई, ऊपर देखिए प्रॉपर धूप नहीं मिल पाती यहाँ पर, इसलिए भिंडी कुछ खास नहीं चल रही। और आप पत्तियाँ देख रहे होंगे येलो येलो हो रही हैं, ग्रीन नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलेगा ना, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से ये अपना फूड भी नहीं बना पाएंगे और बड़े भी नहीं हो पाएंगे। बड़े नहीं होंगे तो कैसे इनमें भिंडी निकलेगी। तो इस तरफ ये भी गाजर है, ये गाजर है, ये भी गाजर है, गाजर तीन उसमें लगा दी थी, गाजर काफ़ी अच्छी लगती है,
सब लोग खोल खोल के खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और फूल गोभी इस बार बहुत अच्छी तो नहीं निकली है, क्यों? क्योंकि चूहों का आतंक देखिए कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। आप ये होल देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है इस बार चूहों ने। चूहों के आतंक से पूरी सब्जियां समझ लीजिए ख़राब हो चुकी है हमारी। इधर देखिए आप, ये देखिए इतना 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 दिख रहा है आपको। और इस लाइन की सब्जियों पे आप देखें जो ऊंचा ऊंचा टीला दिखेगा आपको, यहाँ से वहाँ तक दिखाई देता हूँ पास ले चल के। देखिए ये है, ये है, ये है, ये है, ये जो ऊंचे ऊंचे मिट्टी दिख रही है वाइट वाइट, ये सब जो टीले बना रखे हैं ना, ये सब चूहों ने ख़राब कर रखा है। तो इधर की पूरी पूरी सब्जियाँ जो है ना ख़राब कर दी हैं। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर लगाई तो थी पर चली नहीं। देखिए मिर्चा कितना अच्छा चल रहा था पर सूख गया, ये भी सूख गया क्योंकि इसके नीचे होल बना करके उन लोगों ने इनकी जड़ों को कर दिया कमज़ोर। अब जड़ में खाना नहीं पहुँचेगा तो क्या होगा। तो ये रहा दोस्तों सब्जियों का हाल। ये देखिए किस तरीके से होल करते हैं, कितना खतरनाक। इधर से किए हैं और इधर से निकला आके, बहुत बुरा हाल कर दिया सब्जियों का। तो दोस्तों ये रहा सुबह सब्जियों का सीन, हरी भरी सब्जियाँ मैंने आज आपको दिखाई। दोस्तों आज देख रहे हैं नाश्ते में ब्रेड और मूली के पराठे और गर्मा गर्म चाय। मैं यहाँ पर इस तरफ कर रहा हूँ और चांदनी इस तरफ कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं चांदनी इधर नाश्ता कर रही हैं और रोशनी भी इधर झांकने आ गई हैं और मेरी फोटो खींचने वाली थी लेकिन मैंने पहले इन्हें कैप्चर कर लिया, कैप्चर कर लिया। नहीं हम जहाँ में जाना है ना इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं। ठीक ठीक है, तो जल्दी जल्दी हमें निकलना है। और ओजस बाबू भी सो रहे हैं और चांदनी देख रहे हैं आप, थोड़ा गाल सूझे हुए लग रहे हैं, आंखें सूझी सूझी लग रही हैं। सिर्फ इस वजह से क्योंकि रात भर बाबू ने परेशान किया है और कल लगा था बाबू को टीका दूसरा वाला, तो बाबू बहुत रात तक रोया, बहुत ज़्यादा रात तक। तो 3 बजे तक तो हम लिए हुए थे, 3 बजे के बाद ये ली हुई थी बीच बीच में, और बहुत बार बहुत ज़्यादा रो रहा था, इस वजह से प्रॉपर नींद नहीं हो पाई है। अभी देखो आंखें सूजी सूजी लग रही हैं, हनी सिंह के गाने की तरह आंखें सूजी सूजी। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 10:30, अब मुझे पहुंचना होगा जल्दी से क्योंकि आज हम जाने वाले हैं बच्चों को घुमाने चिड़ियाघर। तो बस जल्दी करते हैं नाश्ता, निकलते हैं।
हम लोग अंदर आ गए हैं और अंदर एंट्री हो चुकी है और आप देख रहे हैं सामने ये लिखा है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर। और ये सारे के सारे बच्चे आ रहे हैं। भारतीय मोर वो बैठा हुआ है भारतीय मोर सामने। और ये हमारा है मस्कवी डक। डोडो तो बेटा डिस्टिंक्ट हो गया है। बैठा हुआ है वो, बोर हो गया, कितना देखोगे हमको मालूम। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर अभी था, इस तरफ है, वो जा रहा है, देखा आपने, वो टहल रहा है, वो देखिए, वो इसकी सींगे, वो देखिए हिल रहे हैं उसके कान, बहुत सुस्त में बैठा हुआ है। अब आगे हम लोग इधर हाइना देखने के लिए, जो लकड़बग्घा कहते हैं हिंदी में इसको। ये देखिए दोनों कितने मजे से लेटे हुए हैं। ये लकड़बग्घा है बेटा, इसको हाइना कहते हैं। ये है एमू, आप देख रहे हैं ये बड़ा सा पक्षी है, शुतुरमुर्ग से छोटा होता है। तो आप देख रहे हैं वहाँ पर एक लेपर्ड लेटा हुआ है, चलिए दिखाते हैं आपको करीब से। वो देखिए ऊपर आपको वो लेटा हुआ है और ये इसका घर है, इसके अंदर ये रहता है, पूरा इसका इलाका है ये। ये सामने से आगे हम लोग, वो टहल रहा है इतनी दूर। चलिए पास ले चलते हैं आपको, एकदम पास ले चलते हैं आपको। ये देखिए क्या शान से टहल रहा है अंदर। पहले अपने पापा को सब लोग फोन करके पूछ लो। तुम पापा हो किसी के? हाँ, ये अर्पिता है, ये कूदना चाह रही है अंदर। अभी मम्मी देखेंगे वीडियो तो बता देना, ठीक है बेटा। वो लेटा हुआ बड़े आराम से, बहुत अंदर छुप के बैठा खड़ा हुआ है, वो दहाड़ रहा है किसी चीज से। बहुत ही आलसी लग रहा है, एकदम सुस्ती में लेटा हुआ है। ये क्रोकोडाइल ने जो बहुत ही आसानी से लेटे हुए हैं, बहुत आराम से, बिल्कुल आलसी हो चुके हैं।
के बैठ गए और इसके बाद हम लोग फिर जाने वाले हैं यहाँ से घर के लिए। तुम लोग आज़ाद होने वाले हो थोड़ी देर में, बस घर। चलो 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 बाहर चलो सब लोग। रो नहीं, अरे यार अब ले नहीं जा सकते ना बेटा, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ हाँ नहीं ले जाएंगे इनको, देखो कितना बज रहा है, 7 बज रहा है। और अब मैं जा रहा हूँ मिस्त्री, जा रहा हूँ बाहर खाला डोसा लेने आज के। ठीक है तुम्हारे लिए कुछ और ले आऊँगा, ठीक है ओजस। ओजस बेटा, ओजस बेटा, पापा जा रहे हैं मसाला डोसा लेने, तुम क्या मंगाओगे? अच्छा मिस्ट्री तुम क्या मंगाओगी? अच्छा तुम रोना मंगाओगे? अरे मिस्ट्री ठीक है जा रहे हैं हम। अरे यार दोस्तों शाम को मैं पहुंच गया असरन चौक। तो असरन चौक के आसपास की ये है लोकल मार्केट जहाँ पे आप देख रहे हैं, और हमें पैक कराना है डोसा और फिर कुछ और भी खाने पीने का सामान लेना है। मैं पहुंच गया सबसे पहले कैंडल केक्स बेकरी, यहाँ का डोसा बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने पैक कराया मसाला डोसा। तो मसाला डोसा के बाद फिर हमने पैक कराई वेज बिरयानी और कबाब पराठा, और ये खाने का सामान तो हो गया। अब इसके बाद हम निकल पड़े और उसके बाद याद आया, अरे यार आज तो न्यू ईयर होने वाला है, नया साल स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं पहुंच गया एक फूलों की दुकान पे और वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मुझे गुलाब के फूल दिखे। पीले पीले गुलाब के फूल थे और लाल लाल गुलाब के फूल थे, साथ में रजनीगंधा भी लगा हुआ था। ये खूबसूरती देखकर मैंने फटाफट एक रेड रोज़ और एक येलो रोज़ तुरंत पैक करा लिया, और उसके बाद इस कड़ाके की ठंड में मैं फिर से निकल पड़ा अपने घर के लिए दोस्तों। दोस्तों आज मार्केट गया था तो मार्केट से याद आया कि अब तो नया साल आने वाला है, तो नए साल में देखिए क्या लाया हूँ जाने के लिए, सरप्राइज। तो आप देख रहे हैं मैं क्या लेकर आया हूँ, मैं लेकर आया हूँ गुलाब के फूल। अब ये नए साल की शुरुआत के लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे ऐसा लग रहा है। एक पीला फूल और एक लाल फूल, और ये आसपास लगा हुआ रजनीगंधा काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, चांदी को पसंद आएगा। तो रख देते हैं दोस्तों, अभी बाद में देंगे। तो दोस्तों घर पहुंच गए हैं हम, और आ गया है आज का डिनर। डिनर में देखिए क्या है, जो डोसा लेकर आए हैं वो डोसा निकल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, मसालेदार। ये क्या है, सांभर होगा ये, है ना सांभर ये वाला है, और ये दूसरी चटनी, ये भी सांभर है। अच्छा ये नारियल की चटनी है, ठीक है निकालो निकालो। और वहाँ से ओजस हम लोगों को देख रहा है टिकर टिकर। ये है वेज बिरयानी दोस्तों, हम लोग खा चुके हैं। और ये है लजीज टेस्टी वेज बिरयानी, जो कि प्याज भी चल रहा है साथ में। ठंडी में खाना बहुत 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 मज़ा लगता है, बस ऑयली वाली खाना खाते रहिए खाते रहिए खाते रहिए। मिस्टू मिस्टू मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँ, अरे देखो देखो तो मामू तुम्हारे लिए भी कुछ लाए हैं। टेन टेन टेन, ये मैं अपने मिस्टर के लिए लाया हूँ एक केक। हाँ अरे कैसा लगा मिस्ट्री, कैसा लगा केक? अरे मिस्ट्री ये मेरा है। और ले ले मामी कह रही मेरा है, मेरा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे लगा खोल के दोगी उसे लग रहा और है। ओ अरे नहीं बेटा ओ अरे इतनी भोली है ये, भोली है मिस्ट्री की। हाय हैप्पी न्यू ईयर, अब है हैप्पी न्यू ईयर
आगे आके सब लोग ताले खा रहे। यस हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को। आज हम लाए हैं केक। हाँ अभी हम लोग आ गए हैं, खूब क्या चुके हैं। एक बार चूड़िया कर गए थे एक बार, तो दोस्तों आज हम लोग काटने वाले हैं केक। और ये केक जो है बहुत छोटा है, बहुत ही क्यूट है, खाने दो सबको। ये देखिए, और ये जो केक है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस पे लिखा हुआ है 1K। तो दोस्तों मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 1K कंप्लीट हो चुके हैं। इस खुशी में मैं आज केक लाया हूँ और केक काटने जा रहा हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने सपोर्ट किया और आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब किया है। तो इसी तरह अपना प्यार बरसाए रहिए और हम इसी तरह खूबसूरत से सुंदर से वीडियोज़ आप लोगों के लिए रोज़ बनाते रहेंगे। क्यों आदिक? यस, हम लोग बहुत सारी मस्ती इन्जॉय सब मिलकर करते रहेंगे। तो आज हम लोग ये काटने वाले हैं और आज न्यू ईयर है और न्यू ईयर के टाइम पे हमारे सब्सक्राइबर 1K घर आ जाओ यहाँ से, बस ऐसे सब लोग देख पाएंगे अच्छे से। तो ये आदविक ने केक को फूंक दिया है और अब आदविक केक क्या करेगा? काटेगा। एकदम छोटा सा केक। चलो आदविक, आदविक के हाथ से कट पाएंगे। अरे भाई हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर आदविक। अरे लिस्ट भी देख ले क्या। चलो मैं आदमी को केक खिलाऊंगा। थैंक यू दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर तो सभी लोगों का होता है बाबू। सबसे पहले छोटे बच्चों के लिए और छोटे बच्चों के बाद आती है हमारी YouTube फैमिली, आप सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और थैंक यू अगेन कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और हमारे सब्सक्राइबर 1K हो गए। और आप लोगों ने चाहा तो और जल्दी जल्दी और सारे लोग हम लोगों से जुड़ते रहेंगे और हमारा परिवार बहुत बड़ा होता रहेगा। तो हम लोग बहुत सारी मस्ती करते रहेंगे और अपने जो भी हैं थोड़े से एक्टिविटीज़ लाइफ की सुख दुख सब शेयर करते रहेंगे। इसी तरह टाइम कितना रहेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए साल की शुरुआत खुशी के साथ, तो इस चॉकलेट केक के साथ। तो दोस्तों चांदी के लिए मैं आज कुछ और नहीं ला पाया, सिर्फ ला पाया हूँ गुलाब के फूल और चांदी को पसंद आएंगे उम्मीद करता हूँ। चांदी हैप्पी न्यू ईयर, आई होप कि तुम्हें ये चीज़ें पसंद आई होंगी और तुम जैसे मुस्कुरा रही हो बस वहीं मुस्कुराते रहो। तुम्हारा साल बहुत अच्छा शुरू हो और पूरा साल बीत जाए तुम्हें पता भी नहीं चले।